अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। ये यहाँ पे बैठे होते हैं दरबारशी पे, खादिम हैं सरकार के और हजूर के मुरीद भी हैं। आप सरकार के मुरीद थे अहमद सईद साहब के? माशाल्लाह माशाल्लाह। तो बताएं सरकार कहाँ से तशरीफ़ लाए? और हजूर इंडिया में अमरोहा शहर में आपकी विलादत वसादत हुई और आप वहाँ से मुल्तान तशरीफ़ लाए 1935 में। माशाल्लाह। और आप सिलसिला आपका चिश्तिया साबरिया, चिश्तिया साबरिया के आप बुज़ुर्गों में से हैं। माशाल्लाह। और आपके पीर मुर्शिद का नाम? आपके पीर मुर्शिद का नाम हजूर सैयद खलील अहमद कादमी सनादर मुहद्दिसीन अमरोहा शरीफ के हैं। उनके हजूर जो है ना खलीफा रहते हैं और खलीफा हैं। आपने उन्हीं से जो है ना तालीम हासिल करी। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो अमरोहा किस जगह में पड़ता है इंडिया में? इंडिया में ये अपर देश है, उसी के उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश। हाँ, उत्तर प्रदेश उसी के इलाकों में है। तो आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद तैयब सईद। मोहम्मद तैयब सईद। और आपकी विदाइश तो पाकिस्तान की है? जी जी, मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आपके अबू जो थे वो इंडिया से आए थे? जी, मेरे वाले साहब। जी जी। अब मेरे वाले साहब, मैं तो गाजियाबाद से हूँ। अच्छा अच्छा। हाँ, गाजियाबाद से हूँ, क्योंकि मैं तो बैयत हजरत का यहीं पर हुआ हूँ। जी माशाल्लाह। तो 1985 में मैं बैयत हुआ। हजूर का विसाल ज़ाहिरी है 1986। ठीक है सर, बड़ी मेहरबानी। आपको हजूर गजाली जमा गाजी दौरा हजरत अल्लामा सैयद अहमद सईद शाह साहब कादमी के नाम से दुनिया जानती है। माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है सर, थैंक यू, बड़ी मेहरबानी आपकी, शुक्रिया। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।